again. एवरीवन, सो गाइस आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गाइस जो है सबसे बड़ा जो आज का अपडेट है, आज की अपडेट में मैं बात करूंगा जो है नीट पीजी 2024 के लिए। तो इसमें जो है सबसे भारी जो अपडेट मिला है मुझे जो है सीट जो है इंक्रीमेंट का मिला है, और कौन कौन जो है डिपार्टमेंट में सीट जो है इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ गाइस मैं सारा जो है न्यूज अपडेट लेके आ चुका हूँ, आप सिंपली मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो सिंपली गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको अपडेट करा दूँ कि नीट पीजी 2024 प्रोजेक्टेड कट ऑफ रैंक सीट इंक्रीजेज फॉर ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट। तो गाइस आप लोगों से पहले बता दूं कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, लेकिन वीडियो को लाइक आप जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तब। तो गाइस यहां पे सबसे पहले मैं जो डिस्कस करने वाला हूं नेट पीजी 2024 प्रोजेक्टेड कट ऑफ रैंक सीट इंक्रीजेज फॉर ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट के लिए। तो यहाँ पे सबसे बात जो सीट इंक्रीजेज हुई है इसमें DNB के लिए हुआ, और इसके साथ एक और डिपार्टमेंट का हुआ है, मैं इस वीडियो में सारा बताऊंगा। तो यहाँ नीट पीजी कॉन्स्टिट्यूट 2024 के राउंड फर्स्ट के जो है आवंटन परिणाम 30 सितंबर को जो है अनाउंसमेंट कर दिया गया था, लेकिन इसके जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट के इसमें जो है MD और MS और DNB पाठ्यक्रम की जो सीट की वृद्धि हुई है। तो इसमें सबसे पहले DNB की सीटें इंक्रीज हुई है और सीटें, और फिर इसके बाद एक और डिपार्टमेंट है मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे नेट पीजी कॉन्स्टिट्यूट 2024 राउंड फर रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुआ था 20 सितंबर को स्टार्ट हुआ था, मैंने इसका अपडेट सबसे पहले दिया था। और साथ में बता दूँ प्रोजेक्टेड कट ऑफ रैंक एंड सीट इंक्रीज गाइड एप्लीकेंट रिवेलेटिंग चांस इंक्रीज सीट इन आपका DNB और NBEMS। जो सीटें इंक्रीज हुई है आप जो है DNB में जो सीट ज़्यादा इंक्रीज हुई है, और NBEMS कोर्स में सीटें जो है ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं, जिससे कि कैंडिडेट लोगों को कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे गाइस जो है द नीट पीजी काउंसलिंग 2024 राउंड फॉर रजिस्ट्रेशन बिगिन ऑन द सितंबर 20, 2024। यानी कि नीट पीजी काउंसलिंग जो है राउंड फॉर का जो रजिस्ट्रेटेड रजिस्ट्रेशन जो है 20 सितंबर को स्टार्ट हो गया था, जो 24 फिलिंग का जो है जो शेड्यूल था जो पीरियड था उसका 23 सितंबर से 26 सितंबर तक था, और सीट अलॉटमेंट का जो था 30 सितंबर तक इसकी लास्टिंग प्रोसेसिंग थी। तो यहाँ पे गाइस 2024 में जो MD MS और DNB पाठ्यक्रम के आखिर भारतीय कोटा के ऑल इंडिया जो है राउंड वन के लिए जो है प्रत्याशी कट ऑफ रैंक और सीट वृद्धि की जांच करने के आवेदनों को प्रतिस्पर्धा बनने के चिकित्सा विशेषज्ञता में वांछित स्थान पाने की उनकी संभावनाएं का मूल्यांकन करने में सहायता मिल सकती है। और गाइस जो अपडेट है सीट की में अवेलेबिलिटी और सीट में उपलब्धता वृद्धि और कट ऑफ रैंक में बदलाव की संभावनाओं को देखते हुए सटीक विकल्प बनाने के उद्देश्य विकास को जारी रखना एक महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप इसको सिंपली गाइस पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्टेड कट ऑफ रैंक ऑल इंडिया कोटा MD MS के जो कोर्सेज हैं हम आपको बताते हैं कि इसमें जो है कितना कितना है कि हियर ऑफ द प्रोजेक्टेड कट ऑफ रैंक सम ऑफ ए मोस्ट साउथ आफ्टर MD MS कोर्सेज के लिए। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कट ऑफ रैंक की, तो यहाँ पे रेडियोलॉजी का 2150, डर्माटोलॉजी का 48 जो है 4000, जनरल मेडिसिन का 4800 है, पेडियाट्रिक्स का 7550, ऑर्थोपेडिक्स के लिए 11200 है, ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनोकोलॉजी के लिए जो है 9400 है, जनरल सर्जरी के लिए 11900 है, TB चेस्ट के लिए 10300, इमरजेंसी मेडिसिन का आप दे सकते हैं गाइस 13200 है, पैथोलॉजी के लिए 39500 है, ऑर्थोनलमोलॉजी के लिए 70600 है, ENT के लिए 18000 है, और यहाँ पे एनेस्थेसिया के लिए 22500 है, रेडियो थेरेपी के लिए 21100 है, साइकेस्ट्री के लिए जो है 16300 है। तो यहाँ पे गाइस इस टाइप से जो है इसका जो कट ऑफ रैंक सिंपली देख सकते हैं जो प्रेजेंटी में अपडेट मिला है। और साथ में अगर मैं बात करूँ कि याद रखना इम्पोर्टेंट है कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रीवियस ईयर के जो है
पाचारी अखरोट रुझानों में आधारित अनुमान है वास्तविक कट ऑफ निम्न कारणों से भिन्न हो सकती है। देखिए गाइस, कट ऑफ जो है स्पेक्टर कट ऑफ है, इसमें जो है कट ऑफ जो है थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो इसको आप लोग जो है मत लीजिएगा, थोड़ा मोड़ा जो है डिफरेंसेस हो सकता है। फिर हम बात करेंगे जो है चेंजेज इन द सीट मैट्रिक्स के बारे में, शिफ्ट इन द कैंडिडेट प्रेफरेंस के बारे में, और अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू सीट ऑफ ए ऑल इंडिया काउंसलिंग, इंक्रीज सीट इन द NBMS डिप्लोमा कोर्सेज फॉर ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट की। तो जो सीटें इंक्रीज हुई है, किस 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 डिपार्टमेंट में इंक्रीज हुई है, डिप्लोमा इन द चाइल्ड हेल्थ के लिए 164 सीटें इंक्रीज हुई है, डिप्लोमा इन द अब इस्ट्रेट्रिक्स एवं गायनोकोलॉजी के लिए 169 सीटें, और रेडियो डायग्नोसिस के 63 सीटें हैं, और उसके बाद चेस्ट डिजीज के लिए 46 सीटें जो है NBMS में इंक्रीज हुई हैं, और एनेस्थेसिया के लिए 132 सीटें इंक्रीज हुई हैं, और उसके साथ साथ जो है ऑप्थल्मोलॉजी के लिए 52 सीटें इंक्रीज हुई हैं, और ENT के 50 सीटें करा इंक्रीज हुई हैं, और फैमिली मेडिसिन के 63 सीटें जो है करा इंक्रीज हुई हैं। तो इसमें गाइस जो है NBMS में देख सकते हैं कितनी सीटें इंक्रीज हुई हैं। अब मैं बात करूंगा DNB में कितनी सीटें जो इंक्रीज हुई हैं, और जो सबसे पहला अपडेट है एनेस्थेसिया के लिए 130 सीटें इंक्रीज हुई हैं, डर्मोटोलॉजी के लिए 10 सीटें इंक्रीज हुई हैं, और जनरल मेडिसिन के लिए 263 सीटें इंक्रीज हुई हैं, जनरल सर्जरी के लिए 140 सीटें इंक्रीज हुई हैं, और गायनोकोलॉजी के लिए 87 सीटें, और इमरजेंसी मेडिसिन के लिए 60 सीटें, ऑप्थल्मोलॉजी के लिए 58 सीटें, ENT के लिए 25 सीटें, पेडियाट्रिक्स के लिए 112 सीटें, पैथोलॉजी के लिए 39 सीटें, और साइकेस्ट्री के लिए 20 सीटें, रेडियोलॉजी के लिए 64 सीटें, रेस्पिरेटरी मेडिसिन के लिए 81 सीटें, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के लिए 26 सीटें, न्यूरो सर्जरी के लिए 21 सीटें, और जो है यहाँ पे वास्कुलर सर्जरी के लिए 29 सीटें जो है कर इंक्रीज हुई हैं DNB के लिए। और टोटल इंक्रीज और DNB सीट के बात करें तो 83 सीटें इसमें जो है इंक्रीज हुई हैं, और उसमें आप सिंपली देख सकते हैं इंक्लूडिंग और जो है NBMS में कितनी सीटें करें इंक्रीज हुई हैं। तो गाइस, ये सबसे बड़ा आज के जो है न्यूज़ में सबसे बड़ा अपडेट है। तो आप सिंपली जो है मेरा काम है आप लोगों को जो है अपडेट करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वाली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।